गाजीपुर से किरण नाई, वरिष्ठ पत्रकार की खास रिपोर्ट। अभिनय जो सदैव रहेगा जीवंत, शिव बच्चन दुबे नहीं रहे, पर उनकी कीर्ति, उनके अभिनय, उनकी आवाज सदा सदा के लिए रहेगी अमर। आज हमारे बीच से गोलोकवासी हुई स्मृति शेष, शिव बच्चन दुबे नहीं रहे, पर उनकी कीर्ति, उनके अभिनय, उनके आवाज सदा सदा के लिए अमर रहेगा। श्री पफारी बाबा रामलीला मंच से 2023 का उनका आखिरी अभिनय जटायु उद्धार, जिन्हें चारपाई पर उठा मंच पर ला मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जो माता जानकी का रावण हरण में सीता माता को छुड़ाने हेतु युद्ध में घायल जटायु को भगवान ने गोद में लिटा। जटायु को अमर करने की इच्छा पूछा, जिसे जटायु ने कहा, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंतराम मून आवत नाही। आखिरी इच्छा को पूरा करने का कार्य अध्यक्ष आदरणीय पंचम सिंह जी राजेश जायसवाल ने किया। एक आवाज के जादूगर व पफारी बाबा रामलीला ट्रस्ट के डायरेक्टर का यह अभिनय जो सदैव जीवंत रहेगा। आप सभी दर्शकों को रामलीला के समस्त पात्रों को व पूरी कार्यकारिणी स्नेह भरा आशीर्वाद। गोलोकवासी अमर वाणी शिव बच्चन दुबे। मुझे वह रूप दिखला कर हरो भाव पीर सब मेरी। आप जीने से न घबराएं, मैं अभी आपकी सभी पीड़ा ही समाप्त कर देता हूं। आप पुनः चीर काल तक शरीर धारण कर आप कैसा प्रलोभन दे रहे हैं। सुना है कि जाग कर जन्म जन्म मुनि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत नाही। सो नहीं नहीं का, मैं पुनः कहता हूं, आप जीने से न घबराएं। हे प्रभु, मैं एक अनारी हूं, आपसे उत्तर प्रत्युत्तर न करके बस विनय के साथ यही कहता हूं कि कर दया जो अमर कर रहे हो मुझे, कर दया जो, कर दया जो अमर कर रहे हो मुझे, वो दया का खजाना नहीं चाहिए। Well,
वक्त ऐसा बड़ी मुद्दतों पे मिला, वक्त ऐसा बड़ी मुद्दतों पे मिला, आपको ये छुड़ाना नहीं चाहिए। जिस गति के लिए ऋषि महर्षि बड़े रट लगाते लगाते विदा हो गए, नम तक भी नम तक भी अंतिम समय हमको ऐसा तराना नहीं चाहिए। नाम लेकर के जब की सदन तर गया, पार भो सिंधु से हो अजा मिल गया, भाग्य से पारी तुम्हें मिल गए, भाग्य से मेरी पारी तुम्हें मिल गए, अब ये अवसर गाना नहीं चाहिए। हे नाथ, अब मुझे जीने की जरा सा भी ख्वाहिश नहीं है। अच्छा, जब आपकी यही इच्छा है तो सानंद मेरे धाम को प्रस्थान करें, और यह न भूले याद रहे कि सीता हरण पीतासन कहे जो आज्ञा प्रभु। जय हमें पुरस्कार प्राप्त हुआ है नितिन राजभर, आप हमारे गांव के श्री लोकुश राजभर जी के सुपुत्र हैं, आपके द्वारा राम जी के पाप से प्रभावित होकर 201 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस तरह से हम आपके दीर्घायु होने की कामना करते हैं। एक बार प्रेम से बोले मर्यादा पुरुषोत्तम।